हम धरना इसलिए देने जा रहे हैं कि हमने एक सपना सजोया था, हमने LIG का एक अपने मायने बिठाया था, क्योंकि हमने अपने एक कैपेसिटी के दायरे में इसको LIG भरा और हमारे साथ इतना छल हुआ कि हमने LIG लिया और DDA ने हमारे साथ EWS का फ्लैट दे दिया गया। और हमको बाद में पता चला, फिर हमने इसमें RTI वगैरह लगाई तो DDA ही कहती है EWS, LIG तो कहने का मतलब यह है EWS का जो कॉस्ट आता है DDA लिख के दे रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 3,46,588 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आई है। अब DDA कहती है 16 से 17 लाख है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। टेंडर उठा के देखते हैं तो 764,82,00,000 रुपए का टेंडर है पूरा, समझे। अब हम किस तरीके से गुमराह करी जा रही है, DDA मानने को तैयार नहीं, कभी कहती है हम इसको बढ़ा देंगे, कभी कहती है हम आपको नरेला में दे देंगे, कभी कहती है आप हमसे डिमांड कर रहे हो, क्या करें कैसे निकले। आप लोगों की पीछे VC साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने क्या बताया। लास्ट टाइम VC साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम आपके ऊपर ये जितने भी हैं EWS के फ्लैट, इसको या तो साइज इंक्रीज कर देंगे या फिर दूसरे फ्लैट जो साइड वाले वो मर्ज कर देंगे, अदरवाइज हम एक्चुअल LIG जो है उसमें आपको शिफ्ट करेंगे। बट रिटेन में कुछ भी उन्होंने अभी तक हैंड ओवर नहीं किया हम लोगों को, और डे बाई डे जितने दिन हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, 4 साल से मीटिंगें कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी मुख्य मांग यही रहेगी कि हमें या तो LIG हमने भरा है, हमें LIG दिया जाए, या हमारी पूरी ब्याज सहित हमारी जो है राशि वापस की जाए।